है, जूतों का हटा देता है, जो पैंट चोल लेकर बैठा देता है। कागज दिखाई डीएम ना नहीं मन डीएम सही रहता ना तो इज्जत वाला नहीं है, छोटा है कहते हैं मुख्यमंत्री हमले हाथ में लम सूरत लाइन हमले हाथ में है, हमला का बदली करा के तो हम दूसरा देश में चल जाए, यही सोचा लंकी है, यही ना गली से कम आवाज है आना तो डीएम सही रहा काला गली करते नहीं। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अक्षयदीप। आज सोमवार है और सोमवार के दिन मुख्यमंत्री के द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनता दरबार में और तस्वीरें यहां से कई तस्वीरें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एक फरियादी आई है, काफ़ी बुरी औरत है, तस्वीरें में आप देख सकते हैं चप्पल तक नहीं है इनके पास, काफ़ी दूर से आई है। क्या फरियाद लेकर आई है पहले हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दा है इनका और क्या मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हो पाई, और अगर नहीं हो पाई तो क्या कारण रहा। क्या नाम है चाची, कहाँ से आए हैं? मीना खाटू, कहाँ से आए? हम मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं। क्या मुद्दा है आप? मुद्दा यही से 5 साल से हम घर से बेघर करवा दिया हुआ है, शिवजी राजपूत है, वो पैसा वाला है, हम गरीब है, वो का करता है बड़का बड़का नेता सबसे विचार करके एफसी के डीएफसी से पीओ को मिला के पैसा दे देता है। घर से निकाल दिए? हाँ, घर से हम 5 साल से निकले हुए हैं। आपके परिवार वाले? आप बेटा पुतो पुतो पर इज्जत पर हानि किया राजपूत शिव जी, तो हमार बेटा बुलबा आती है खूब दबदबा है क्या? हाँ दबदबा है, हमारे दूगो बेटा आप ही लिखा है। अच्छा। हाँ, वो बेटा के दौल है इज्जत के माले मुजफ्फरपुर में 0 माइल में किलाया लेके है। कौन गाँव कौन प्रखंड पड़ता है आपका? गोविंदपुर का काठी मणिपुर का पंचायत है, गोविंदपुर का हाँ घर है, काटी में जिला आती है, थाना है और ब्लॉको है, दोनों है, पानापुर ओपी पानापुर के ओपी थाना बाला बाबू, काटी के बाला बाबू मुजफ्फरपुर, आ मुंशी 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 कलता से बाला बाबू मुजफ्फरपुर से। हाँ हाँ, मजा सिंह जी आप पर काफी दबदबा कर। हाँ हाँ, राजपूत शिव जी, शिव जी ना है शिव जी, शिव जी। हाँ हाँ, राजपूत कल बेटा बाटे रियाती अजीत कुमार, और कल बेटा है बड़का करते क्या कुछ काम करते वहाँ पे कौन? हाँ, हमर घाले है शिव जी जो है वो। हाँ, कुलो घाल है हमारा। काम क्या करते हैं वो? वो काम करता है, वो गाय बैल गाय के या भैंसी के सुइया देता है। अच्छा, शिव जी डांडल। अच्छा, डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर है क्या? कल बेटा, हाँ कल बेटा काम करता है, वो दू गो चार गो पाँच गो लड़का सबके पढ़वाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो कैसे आपको घर से निकाल दिए उनका? निकाल दिया हमर बाबा दादा के जमीन, 600 राजपूत के बीच में एगो मुसलमान। अच्छा। लोडे साइड हमारा घोल है। अच्छा। अभी सोचला का से एगो मियान से का होखे वाला बा इनका कमान। आपका नाम क्या? हमारा नाम है समीना खाटू। अच्छा अच्छा। सोचला का से पहले का हमारा ननद के बेच देला, हमारा सास ससुर के मार के भाग। साथ और भी लोग रहते हैं क्या, और भी राजपूत लोग? जब बाप ने बाप बहुत बोला ना, सबके नाम कहलक ले आती। आप थाना में नहीं गए कंप्लेन? थाना में डीएफसी करसी करने सब ठन दौड़ल। सरकार नहीं सुन रहे आप? कौनो नहीं सुन रहा, पैसा पर पैसा ले लेके नहीं कौनो सुन रहा है। अब अंतिम में बोल रहा है कथी समीना का तुम तेला कट्ठा के मालिक है, ये देखिए 157 आती है लका। जमीन का कागज है आपके पास? हाँ, का है ये ना है, देखिए क्या है, जमीन का कागज है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना कट्ठा है, साफ इसमें लिखा है 3 कट्ठा है, 3 लाख का जमीन है। और 3 कट्ठा है कि 13 कट्ठा? हाँ, 13 कट्ठा जमीन। हाँ, 13 कट्ठा, 13 कट्ठा जमीन है। हाँ, 157 लग अति है खाटा लम्बल, 1682 या 1683 अति आए, ये देखिए इतना सर काली जमीन। 100 राजपूत मिलकर एक मुसलमान पे हाँ दबदबा बना रहे हैं। हाँ, मुसलमान के चाल है, लेगो मियाँ बाटे इनका के सब जमीन में हड़प ले। हाँ। इनका के मार किया उठवा के फेंकवा दे। पहले भी ऐसा हुआ है क्या? हाँ, 5 साल से 6 साल से। और भी कोई लोग और भी किसी पे ऐसा हुआ है, कोई घटना है पहले का भी? पहले बहुत घटना दूसरा दूसरा पर भले, तो हम अपना के भाग्य थी कि दूसरा के भाग्य थी। अब उतन कहा मारे भी है क्या? मारे भी है आप? हाथ भी उठाए? हाँ, बाप ने कोदाली लेके काटे गेला, हॉस्पिटल में भर्ती करवा देला, हॉस्पिटल में से इलाज कराईली, थाना में देली, थाना केस न लेला, डीएफसी करने देली, डीएफसी नग लेला, एफसी करने देली, एफसी नहीं तब हम के साथ छेड़खानी भी की। हाँ बहुत। आप पटना में अली है? आप पटना में मनवा ऑफिस में देली है?
थाना तब है मन वापिस के क्या लग रहा भेजे आपको यहाँ पे। हाँ तब गए मुख्यमंत्री से मुलाकात हुआ? ना 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 भेला मुख्यमंत्री का ना कहियो ना अभी भेला ना। पहले भी आए थे क्या यहाँ? हाँ चार, हाँ चार साल से उजाला में, उजाला में अली देखिए। हाँ देखिए कहिया के अभी तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई? ना ना ना। हाँ मुख्यमंत्री का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे क्या? नहीं कल आपने हुआ है, आपने दो महीना से जनता दल लगता है, आप दो साल से पटना में आते हैं। अच्छा, एक बार भी मुलाकात नहीं हो पाया? नहीं नहीं, एको बेला वही लाम सूलत लाए विधा आती है ना पूरा मले वे लाम सूलत लाए के तो लाम सूलटो लाए के ना पटना बेल किए। राम सूलत राय जनता दरबार लगा रहे हैं, वहाँ भी गए थे आप? हाँ सब, हाँ सब थे जाते हैं। देखिए देखिए यहाँ से दिए बड़ा बड़ा मुसीबत। ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार का कागज है, साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के पास गए, राम सूरत राय के पास गए जिनका विभाग है, फिर उसके बाद जेडीयू कार्यालय गए, वहां से फिर नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए हैं। तस्वीरें देखिए, नंगे पांव आए हैं। क्या हुआ चाची, चप्पल नहीं है आपके? ना हमल हुए इसराइल मंसूरी विधायक करने गेली वो ना कैसे नाश कान नहीं के सुनाई। पटना में कहां रुके हुए? पटना में हम आते हैं तो स्टेशन पर रह जाते हैं। स्टेशन ही पे रह जाते हैं? खाना पीना? खाना पीना नहीं, अब तक निकल हूँ ना, खेली मुँह सुखल है ना बुझा ले। अच्छा, अभी नहीं खाए हैं कुछ। चलिए अभी नहीं खाए। तस्वीरें साफ है, जनता दरबार की है। आप जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जनता दरबार की शुरुआत किए थे, आपको बता दें कि लोक शिकायत आयोग चलता था पहले, परंतु मुख्यमंत्री खुद बोले थे कि वो जनता के बीच नहीं जा पाते हैं, जिस कारण जनता दरबार की शुरुआत की गई थी। 12 जुलाई को जनता दरबार, पहला जनता दरबार लगाया गया था। अब 2-3 महीने हो गए हैं, परंतु कई फरियादी ऐसे हैं जो अभी तक उनकी फरियाद को अभी तक सुना नहीं गया है, संज्ञान नहीं लिया गया है, खासकर कि जमीनी जो मुद्दे हैं, जमीन के मुद्दे हो या फिर पारिवारिक मुद्दे हो। और नीतीश कुमार खुद कहे थे कि जो जमीन के मुद्दे हैं और जो पारिवारिक मुद्दे हैं वो बिहार में काफ़ी बढ़ गया है और मेरा फोकस उसी मुद्दों पर रहेगा। परंतु जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, कई फरियादी अभी तक अपनी फरियाद को सुना नहीं पाए। 4 साल से ये बुजुर्ग महिला आ रही है, पटना में मौजूद है, पटना में रहने तक का इनके पास बंदोबस्त नहीं है, नंगे पैर है, स्टेशन पे रुकी हुई है, खाने तक का पैसे नहीं है, परंतु जो बिहार सरकार है, कह ले कि सुशासन की जो सरकार है, वो अभी तक इनकी बात नहीं सुन पा रही। और भी खबरों के लिए बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।